आईपीएल सीजन 14 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बड़ी बात यह है कि फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स की गर्दन दबोच कर रखी हुई है केकेआर की टीम ने। चौथा झटका यहाँ पर केकेआर ने दे दिया है दिल्ली को और पूरे तरीके से दिल्ली की टीम जो है वो बैकफुट पर जा चुकी है। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए केकेआर ने पहले टॉस जीता और टॉस जीत कर किया यहाँ पर पहले गेंदबाजी का फैसला और उनका फैसला पूरे तरीके से सही साबित हुआ है। पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिली थी दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन उसके बाद 11वें ओवर से प्रेशर पड़ा। बड़ी शॉटें खेलने के चक्कर में सभी बल्लेबाज यहाँ पर अपना जो है नियंत्रण वो खो बैठे और आज उन्होंने एक शानदार तरीके से मैच को अलग मोड़ पर पहुंचा दिया है। बड़ी बात यह है कि पंत भी यहां पर 6 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए। एक चौका उन्होंने जड़ा लॉकी फर्ग्यूसन ने, राहुल त्रिपाठी के हाथों उनको एक शानदार कैच लपकवाया। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से दोनों ही टीमें आगे प्रदर्शन करती हैं, लेकिन केकेआर की टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए आज पूरे तरीके से बैकफुट पर डाला है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। अब देखना होगा कि किस अंदाज से दिल्ली की टीम यहां पर शानदार प्रदर्शन करती है, क्या वापसी कर पाती है। फिलहाल 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी उनका रन रेट नहीं है, कम से कम 140-145 रन चाहिए अगर उनको इस मुकाबले को जीतना है। तो ANP टाइम्स की रिपोर्ट।